एजिंग एक ऐसा शब्द है जो शायद हम में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एजिंग भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कुछ प्रोडक्ट्स में उनकी बेस्ट क्वालिटी लाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एजिंग इन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की। हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं एक आइसक्रीम बिजनेस कोच हूँ, और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिंग इन आइसक्रीम बेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम्स। और ये टॉपिक हम डिवाइड करेंगे, हम कवर करेंगे 4 सब टॉपिक्स में। व्हाट इज एजिंग, हाउ इज इट डन, व्हाई इज इट डन एंड व्हेन शुड इट बी डन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं आइसक्रीम बिजनेस को लेकर कि एजिंग क्या होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या कितने समय के लिए एज करना होता है, उसका बेनिफिट क्या है। तो आइए आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढते हैं अपने इस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, एजिंग है क्या? सो एजिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो आइसक्रीम का बेस हम बना रहे हैं उस बेस को बिटवीन 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में स्टोर किया जाता है फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 to 6 आवर्स। इस प्रोसेस को एजिंग कहते हैं। अब ये कैसे की जाती है? सो एजिंग जो है आइसक्रीम बेस की, एक इक्विपमेंट में की जाती है जिसका नाम होता है एजिंग वैट। ये एक बड़ा सा स्टील का बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर कंप्रेसर्स लगे होते हैं और जिसका टेम्परेचर जो है अराउंड 3 to 5, 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। और इस इक्विपमेंट के अंदर जो आपका बेस बना है वो अब स्टोर किया जाता है फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स। मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग फ्रॉम मे बी इवन टिल 3 or 4 डेज। एजिंग वैट क्या होता है? सो एजिंग वैट कुछ ऐसा सा दिखता है। अब ये क्यों किया जाता है, एजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं एजिंग किस तरह से आइसक्रीम के मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपना बेस पाश्चराइज करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, उसके बाद वो बेस का टेम्परेचर हाई होता है और फिर आपको जब अपने बेस में फ्लेवर्स वगैरह मिक्स करने हैं और उसको आइसक्रीम को फ्रीज होने के लिए डालना है, तो अगर आपका बेस जो है वो एक कूल टेम्परेचर पे है यानी 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और उसमें जब आप कूल फ्लेवर्स बेस एसेंस वगैरह मिक्स करते हैं और बैच फ्रीजर में ये सब चीज़ें डालते हैं, तो इस कूल मिक्सचर के कारण आपके बैच फ्रीजर की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रोवाइज हो जाती है। अगर आप गर्म टेम्परेचर का बेस अपने फ्रीजर बैच फ्रीजर में डालेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है वो ढंग से सॉलिडिफाई होके बाहर नहीं निकलेगी, वो एक स्लरी की तरह बाहर निकलेगी। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है हम आइसक्रीम बेस को एज करते हैं वो ये है कि इस एज किए हुए बेस का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्रीज के बीच में होता है जो कि हेल्प करता है बैच फ्रीजर को आइसक्रीम चर्न आउट करने के लिए एट द रेट ऑफ -8 to -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो आइसक्रीम निकलती है वो अच्छी सॉलिड होके आइसक्रीम निकलती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब हम बेस बनाते हैं, स्पेशली यहाँ पे कमर्शियल आइसक्रीम्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर मिल्क पाउडर होगा, मिल्क होगा, क्रीम होगा, कुछ स्टेबलाइजर्स होंगे, शुगर होगा, सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं, राइट? इन कॉम्पोनेंट्स का जो है अलग अलग रोल है। तो जब आप अपने आइसक्रीम के बेस को एज करते हैं तो ये जो है टाइम प्रोवाइड करता है उस आइसक्रीम बेस के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको हाइड्रेट होने का टाइम प्रोवाइड करता है। और जब ये प्रोटीन हाइड्रेट होते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो आपका एंड प्रोडक्ट बने, वो जो आपकी आइसक्रीम बने उसमें आइसीनेस ना हो। सो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एजिंग का ये है कि वो प्रोटीन को हाइड्रेट होने का टाइम देता है जिससे कि आपकी आइसक्रीम में आइसीनेस नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हमारे आइसक्रीम के बेस में फैट भी होते हैं।
तो एजिंग से ये जो फैट्स होते हैं ये पार्शियली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और फैट्स जब क्रिस्टलाइज होते हैं तो उनके कारण जो आपकी आइसक्रीम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ और डिजायरेबल निकलता है जब ये फैट्स जो है ये पार्शियली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो एजिंग जो है ये फैट्स की क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करती है, और जो हेल्प करता है एक डिजायरेबल क्वालिटी और की आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो हम हाइड्रोकोलाइड्स डालते हैं, जैसे हम जो स्टेबलाइजर्स वगैरह डालते हैं आइसक्रीम के अंदर, उनको ये टाइम प्रोवाइड करता है हाइड्रेट होने के लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। और वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जो आइसक्रीम का बेस है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ जाने से जब आइसक्रीम को बैच फ्रीजर के अंदर डाल के आइसक्रीम लिक्विड से आइसक्रीम में कन्वर्ट किया जाता है फ्रोजन में, तो उसमें फ्री वाटर कम रहता है। एज सच वो आइस क्रिस्टल्स जो हैं छोटे छोटे बनते हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड बनते हैं, एंड एज सच आपकी आइसक्रीम का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिजायरेबल होता है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये सार सो ये जो एजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल आइसक्रीम को एक डिजायरेबल स्ट्रक्चर, एक डिजायरेबल टेक्सचर प्रोवाइड करने में, जिससे कि आपकी आइसक्रीम्स की डिमांड अच्छी हो जाती है। जैसा हमने देखा ये एजिंग इन आइसक्रीम्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड शुड नॉट बी अवॉइडेड। कमर्शियल आइसक्रीम्स में इट शुड नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। ओके, अब कब किया जाना चाहिए ये एजिंग? तो क्या सारी आइसक्रीम्स में एजिंग किया जाता है? नहीं, कुल्फी जैसे कुल्फी है जो इंडियन आइसक्रीम है उसमें एजिंग नहीं किया जाता क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो होममेड आइसक्रीम्स बनती हैं जिसमें कि प्रीडोमिनेंटली क्रीम यूज होती है उसमें भी एजिंग नहीं किया जाता क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो टोटली अलग है, उसका जो प्रोसेस है वो टोटली अलग है। तो ये किस में किया जाता है? ये उन आइसक्रीम्स में किया जाता है जो कमर्शियली मैन्युफैक्चर होती हैं कमर्शियल मार्केट में बिकने के लिए, और जिसमें बहुत तरह के ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जैसे मिल्क फैट, मिल्क पाउडर यानी कि सॉलिड नॉट फैट, स्टेबलाइजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस वो आइसक्रीम्स जिनमें ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वहां पे एजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड इट शुड डेफिनेटली बी डन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो से मदद हो सकती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।